एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे हैं आप लोगों के एहसास, जज्बात, ख्यालात और हालात? उम्मीद करता हूँ एकदम फैंटास्टिक, सुपर कूल होंगे और होने भी चाहिए जनाब, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लॉग विद योर कूल डूड कूल बडी पीवी द वंडरर। तो अभी हम हैं भाई सोनप्रयाग में, थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं गौरीकुंड। तो आपसे सीधे मुलाकात करेंगे गौरीकुंड में और वहाँ से ट्रैक की करेंगे स्टार्ट। तो अभी जल्दी में है क्योंकि हमने गाड़ी पकड़नी है। अभी हम पहुंचे हैं गौरीकुंड और यहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो रही है। यहां से है ट्रैक 20-22 जितना भी होगा वो, और ये है केदारनाथ का गेट। वैसे तो गेट पे लिखा है 16 किलोमीटर। और भीम सर, अंधेरे में चलने में कैसा लग रहा है? मजा आ गया है, बहुत आनंद आ गया। राजू सर, बढ़िया बढ़िया दिख नहीं रहे हो, लेकिन बहुत बढ़िया आनंद आ गया है। गुड, आनंद आना चाहिए। तो अभी हम पहुंचे हैं गौरी माई मंदिर, और एक ये है उमापति महादेव मंदिर। तो यहाँ से दर्शन करके ही आगे की यात्रा शुरू होती है। अभी तो किवाड़ बंद है, लेकिन बाकी हमने भेंट वगैरह चढ़ा दी है, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों राज सर? हाँ बिल्कुल, दिख नहीं रहे हम लेकिन किसी को। चलो कोई बात नहीं, तो अब यहाँ से इधर को जाना है हमने, बाकी चलते चलते बताते हैं आपको। अब देख सकते हैं आप, यहाँ से राइट में था ये गौरा माई मंदिर, अब यहाँ से लेफ्ट हमने जाना है। लाइट बहुत कम लेकिन श्रद्धालु बहुत ज्यादा। क्यों? हर हर महादेव। जय हो प्रभु। बहुत सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, अवेलेबल है, काफी सारी चाय पानी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जितना पहले से आप अपनी व्यवस्था लेके चलो उतना बढ़िया है, क्योंकि ऊपर जाते जाते चीज़ें पैदा करना और रेट भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी सी देखो, वहाँ पे स्टेयर आने वाली हैं। अभी तक तो हालात बिल्कुल ओके हैं, आगे देखेंगे जी। अभी भी अंधेरा कुछ तला नहीं है। और केदारनाथ देखो 12 किलोमीटर, हिमबली 2 किलोमीटर, अब कुछ कुछ मतलब दिखने लग गया। तो अभी 4 किलोमीटर कवर किया है हमने, 4 किलोमीटर 1 घंटे में। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे केदार बाबा के चरणों में। दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन काफी बड़ी खाई है, और ये देख सकते हो आप चढ़ाई जबरदस्त, नॉन स्टॉप चले हैं। वाटरफॉल भी है वहाँ सामने 2-3, लेकिन अभी दिखेंगे नहीं। कमलेश भाई थोड़ा सा हमारे अनुरोम विलोम कल कर कम करके आए ना, तभी थोड़ा स्टेमिना, थोड़ा थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हाँ। और एक चीज और भाई, यहाँ बस घोड़ों से बच के चलना है, क्योंकि घोड़े वाले जगह नहीं देते भाई बिल्कुल भी। बाकी सब ठीक है, आप ट्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा जल्दी पहुंचोगे, लेकिन घोड़े वालों से तो बिल्कुल बच के चलना है। और बाकी खाने पीने का सामान मैंने बता ही दिया था, जितना नीचे से लोगे उतना फ़ायदा है। रास्ता भी थोड़ा देख के चलना, और रास्ते थोड़े से टफ भी हैं, मतलब जो पहली बार ट्रैक कर रहा है इस टाइप के, उबड़ खाबड़ टाइप है, मतलब अनइवन टाइप, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। तो अभी हो गया है थोड़ा सा रोशनी, देख सकते हो आप। और अभी यहाँ से है केदारनाथ 11 किलोमीटर, अभी हम 1 ही किलोमीटर आए हैं। क्यों? ये देख सकते हो ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे, और सामने देखो दिख रहा होगा, तो वहाँ पे काफ़ी लंबा वाटरफॉल है, क्योंकि पेड़ है दिख नहीं रहा है क्लियर। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, वो देख सकते हो आप वहाँ पे वाटरफॉल, बहुत प्यारा। बोलने में भी ताकत लग रही है, आवाज़ कम आए तो देख लेना थोड़ा, क्योंकि स्पीड भी तगड़ी रखी है हमने, स्पीड में कोई कमी नहीं है। पहाड़ दिखने लग गए, बढ़िया। अभी आपको दिखाता हूँ आगे
स्नो कवर्ड पीक। चलते चलते कहाँ आ पहुंचे हम, स्वर्ग की अनुभूति होने लग गई। मतलब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है स्वर्ग के द्वार में पहुंच गए। क्यों हरदा, गलत कह रहा हूँ क्या? लग रहा है ना स्वर्ग का द्वार शुरू हो गया। ये वो देखो वाटरफॉल, देखो एक और अद्भुत फॉल। ऐसे वाटरफॉल काफी मिल जाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं मेरे ख्याल से, भी है कुछ ऐसी, थोड़े से थक गए हैं। क्यों? सच्ची बात है वो, सच्ची बात। और वहाँ देखो ये है, मुझे लगता है मंदाकिनी रिवर नीचे से बह रही है। वो देखिए नीचे, देखो बड़ा सुंदर दृश्य, मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य आप देख सकते हो। जय माता दी, जय श्री केदार। सुंदर कितना लग रहा है। वहाँ पे एक होल भी हुआ है, वहाँ पे पानी रुका हुआ है। और वो पत्थर देखो, पूरी चट्टान बहुत बढ़िया। ऊपर देखो चौपर जा रहा है। ये देखो कौशन सेतु पर एक समय पर 24 व्यक्ति या 6 खच्चर ही जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, वरना मंदाकिनी में डुबकी लगानी पड़ सकती है। कितना प्यारा लग रहा है देखो। वो वहाँ देखो हिमालय दिखने लग गया। आप थोड़ी सी उमंग आई है। 10 किलोमीटर अभी, 9 किलोमीटर पता नहीं कितना है, लेकिन चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो जी अभी हम पहुंचे हैं छोटी लांचुली में और हमने मारा है अभी शॉर्टकट। ये देख सकते हो आप वहां नीचे, वो वहां पे हमने थोड़ी सी चाय पी ली। नाश्ता तो किया नहीं क्योंकि केदार बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करेंगे नाश्ता पानी जो भी होगा। और थोड़ी सी थकान भी लग रही है अब। और यहाँ से अब केदारनाथ बचा है 7 किलोमीटर, लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा अभी हमें। तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम। बाकी देखो रास्ता उधर से है, वो ज़्यादा घूम फिर के आएगा बड़ी लांचुली। और अम्मू भाई पीछे से आराम से आते हुए। अभी देखो आप आगे, वहाँ से चॉपर भी फ्लाई कर रहा है। और वो पीछे बर्फ का नज़ारा देखो, ये देखो। देखो अभी पहुंचे हैं हम बड़ी लांचनी में और यहाँ से केदारनाथ है 5.5 किलोमीटर के आसपास। और आप देख सकते हो ये उस 2013 की तबाही का सबूत है। कैमरे में उतना नहीं आ पाएगा लेकिन काफ़ी ऊपर तक, नीचे से 300 फीट ऊपर तक की चट्टानें खिसक के गई है। तो आप लगा सकते हो जब वो मंजर हुआ होगा तो क्या सीन होगा। बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं, सारे लोग पहुंच गए हैं थोड़ा आगे मेरे से, क्योंकि व्लॉग शूट करते करते मैं रह जाता हूँ पीछे, फिर मेरे को लगानी पड़ती है दौड़। एक पंथ दो काज हो रहे हैं, अच्छा है ये भी। ये देखो आप घोड़े खच्चर भी कितनी गौरीकुंड से सामान लेके आ रहे हैं। भाई मेहनत तो पूरी है, ऐसी बात नहीं है। सामान का मतलब महंगा होना जायज है। और पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल, और ये वाला पर्वत देखो बहुत प्यारा। अभी मैं और भीम भाई पहुंचे हैं। अब यहाँ से केदारनाथ है 3 किलोमीटर, सामने उधर
उसके पीछे और सुबह से कंटिन्यू चले हैं, अभी तो थक भी गए थोड़ा थोड़ा, थक गए कहीं कहीं पे बैठ रहे हैं, मतलब एक आध मिनट पानी थोड़ा एक दो सिप पीने के लिए। और बाकी हर बार लोग पीछे से आ रहे हैं, थोड़ा पीछे रह गए हो, 400-500 मीटर पीछे हैं। और दुकानें भरपूर मिलेंगी आपको, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बैठने की रेस्ट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। प्राइस भी ठीक है, प्राइस भी से नीचे से सामान लाते हैं, प्राइस बिल्कुल ठीक है, लगेगा कि जन्मनी प्राइस है मेरे साथ। मेहनत के सामने मतलब प्राइस का उतना कोई वो नहीं है, मतलब प्राइस ठीक है। दूसरा एक काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपको केदारनाथ के बारे में काफ़ी सारे ब्लॉग्स में मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अल्टीमेट रॉ चीज़ बताता हूँ। देखो जब वो आपदा आई थी ना, तो देखो क्या हाल हुआ था यहाँ का, ये पूरा खिसक के नीचे गया हुआ है, यहाँ पता नहीं कैसा मंजर होगा। ये मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, 200-300 फीट ऊपर तक छिलके आए हैं पहाड़, तो क्या दृश्य होगा वो आप समझ सकते हो। और ऊपर देखो कितना ब्यूटीफुल पहाड़। और उसके बाद वो रास्ता था पहले उस साइड से, तो अब ये थोड़ा बढ़ गया है जब इस साइड से हो गया है ये जिस पे हम चल रहे हैं अभी। चलिए तो चलती तो बाकी सफ़र में थोड़ी सी सफ़र आपको टायरिंग लगेगा, और आपकी हैबिट है तो थोड़ा सा टायरिंग लगेगा, अगर हैबिट नहीं है तो आराम से चलो, 6-7 घंटे में आराम से पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा हम कितनी देर में वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, टोटल एग्जैक्ट बताऊँगा, ना कम ना ज़्यादा, मिनट में 1-2 मिनट का हेर फेर हो सकता है, लेकिन घंटे आवर बिल्कुल करेक्ट होंगे, है ना। क्यों भीम भाई, अभी पहुँच भी जाएंगे शायद, बस आधे घंटे या 45 मिनट में, नेक्स्ट आधे घंटे 45 मिनट में पहुँच जाएंगे केदारनाथ। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हम आए भी नहीं हैं पहले, केदारनाथ है कहाँ पर, रास्ते ही दिख रहे हैं अभी तो, कुछ भी क्लियर नहीं है। बाकी देखते हैं, अभी जाके ही पता चलेगा, और आपको दिखाएंगे, आपको कराएंगे। अंदर तो पता ही है आपको, फ़ोटो शूट वगैरह अलाउड है नहीं, बाहर से कराएंगे आपको दिव्य दर्शन बाबा केदार के। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं अब आपसे। केदारनाथ थोड़ा सा बचा है, यहाँ पे रुके हैं हम एक ढाबे पे, देख सकते हो आप यहाँ पे चाय ब्रेक चल रहा है हमारा, चाय वाय पी के थोड़ी सी फुर्ती भर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे बाबा केदार के दर्शन के लिए। दादा केदारनाथ कितना रह गया यार, केदारनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर है, हमें लगेगा लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। कौन सा वाला, अच्छा वो उसके इधर ऐसे, अब इसमें तो दिखेगा नहीं, वैसे दिखा देता हूँ आपको, वो सामने छोटा सा जो दिख रहा है ना पुलिया टाइप की, उसके सामने बता रहे मंदिर है। और देखो अभी बर्फबारी भी हुई है 2-4 दिन पहले, आप देख सकते हो। तो अभी चाय वाय पीते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे बाबा केदार के दर्शन के लिए। ये है हमारे राज भाई और ये है कम्मू भाई, हरदा हमारे भाग गए, वो आगे मिलेंगे। चलो पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। वो ऊपर जो टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, उसके जस्ट पीछे है, मतलब हमें टाइम लगेगा थोड़ा पहुँचने में। और नज़ारा देखो आप, वादियाँ ही वादियाँ, और नीचे देखो ये। तो अब है खास वाली बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, पीछे देख सकते हो आप, तो अभी ये चढ़ना है, हम चलते हैं धीरे धीरे, आप लो आप हाइपरलैप्स के मज़े, तब तक हम पहुँचते हैं ऊपर टॉप पे। देखो आपकी यात्रा मंगलमय हो, केदारनाथ का गेट। और यहाँ पे ऐसे सुलभ शौचालय आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं यहाँ। बाकी रुकने की व्यवस्था भी पूरी है यहाँ, टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, और थोड़ी देर में बस पहुँचने वाले हैं हम श्री बाबा केदार के धाम। हरदा हमारे आगे चले गए, दो भाई पीछे आ रहे हैं, राज भाई और मैं चल रहे हैं धीरे धीरे। हरदा से पहले रास्ता वो था, अब इतना विकास हो गया है, काफ़ी अच्छा मतलब डेवलपमेंट है। नीचे
नीचे देखो ओकलैंड भी काम कर रहा है, वो है चौपर का एरिया। का कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी आएंगे कहीं भी जाएंगे, तो इनसे तो थोड़ा सा बच के ही रहना पड़ेगा। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये है बाबा केदार। अभी श्रद्धालु देख सकते हो आप लाइन में लगे हुए, हमारे दर्शन तो हो गए, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल स्नोफॉल हो रही है, कैमरा भी ढक गया है पूरा। विंजर कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया मौसम, बिल्कुल ही अल्टीमेट भाई, सोचा ही नहीं था, देखो आप बिल्कुल स्नोफॉल। अच्छा कैसा लग रहा है? बिल्कुल स्नोफॉल, मजा आ गया स्नोफॉल में तो, बिल्कुल एकदम लगे ना, बिल्कुल मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, हो गया स्नोफॉल भी हो गया एक साथ। ये देख सकते हो आप पीछे, बहुत ही मजेदार, अभी श्रद्धालु पूरे लाइन में लगे हुए हैं यहाँ तक खचाखच, और स्नोफॉल हो रहा है, बढ़िया। क्या कहने यार, दर्शन हो गए बढ़िया करके, टाइम पे आ गए थे दर्शन वगैरह में, 2-1 घंटे लगे, लेकिन सब कुछ सही हो गया। जय श्री केदार, आपकी दया है प्रभु, सब कुछ सही रहा, बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा। बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं बहुत तेज़, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, बाकी जहाँ हम रिकॉर्ड कर पाएंगे करेंगे। तब तक के लिए जय श्री केदार। बहुत ही आनंद आ गया, देखो स्नोफॉल देखो आप, ये देख सकते हो आप। अभी हम जा रहे हैं वापस, और सामने की पूरी पहाड़ियाँ हो गई है सफेद। क्यों हरदा, ये देखो हरदा को देखो, उसका को देखो, हमें देखो, लबालब हो गए हम भाई, मजा आ गया। ये देखो भीम, तो अभी हम लोग का चला है लंच यहाँ पे, ये देखिए सभी लोग बैठे हैं, और पहाड़ का आपको व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा स्नोफॉल हुआ है, देखिए आप, बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल।